ओएफबी को प्रॉफिट दिखाने की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी और इसीलिए मुनाफा कमाने के लिए कोई इंसेंटिव भी नहीं रह गया था। साथियों, आर्नेस फैक्ट्री बोर्ड की कार्यप्रणाली का अध्ययन पिछले दो दशकों में विभिन्न हाई लेवल कमेटीज द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य कामकाज में सुधार लाने और इन फैक्ट्रीज को आर्म्ड फोर्सेस की डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर देश की डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए पब्लिक सेक्टर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के समन्वय के रूप में देखा जाता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि फंक्शनल ऑटोनॉमी, इफिशियंसी बढ़ाने, नई विकास क्षमता और इनोवेशन को सामने लाने और हमारी रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के उपाय के रूप में आर्नेस फैक्ट्री बोर्ड को एक सरकारी विभाग से पब्लिक सेक्टर कंपनी में परिवर्तित किया जाए। इसीलिए सरकार द्वारा जुलाई 2020 में आर्नेस फैक्ट्री बोर्ड को एक या एक से अधिक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। पूरी प्रक्रिया की देखरेख और मार्गदर्शन करने के लिए मेरी अध्यक्षता में, जैसा आपको बताया भी है, हमारे रक्षा राज्य मंत्री ने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था। हमने विभिन्न बैठकें की हैं और आर्नेस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोराइजेशन के सभी पहलुओं पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में यह विचार भी किया है। स्टेक होल्डर से प्राप्त जो तरह तरह के सुझाव रहे हैं और उनकी राय रही है, उन पर भी इस पर विचार किया गया। और एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।